इधर देखते हैं, चलो चलाओ गल। बीजेपी सांसद दिनेश लालिया, आपने अहिर रेजिमेंट की बात कही है, आखिर क्यों ऐसी जरूरत है अहिर रेजिमेंट की, जब सेना का शौर्य पर पूरे देश को भरोसा है? मुझे भी भरोसा है, पूरे देश को भरोसा है, पूरी दुनिया को भरोसा है कि भारतीय सेना के पराक्रम को लोहा को पूरी दुनिया मानती है। लेकिन आप ये मानते हैं कि नहीं कि जब कोई कोरोना वायरस आपके शरीर में घुसता है तो आपने लिया हुआ है, वैक्सीन लिया है, पर बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती है ना, तो ये बूस्टर डोज है। अहिर रेजिमेंट जो है ये बूस्टर है, ये आप बना के देखिए। जिस दिन अहिर रेजिमेंट का नाम सुन लेगा चाइना, अभी जो हरकतें कर रहा है वो तो छोड़िए, 62 का जो उसने सीमा रेखा लगा था ना, उसके पीछे जाके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसको याद है कि अहिरों ने कैसे उसको पटक पटक के मारा था, उसकी हड्डियां तोड़ी थी, उसकी खोपड़ी तोड़ी थी, चाइना को अच्छे से याद है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि है हमारे पास तो हमारी सर्वश्रेष्ठ सेना है, भारतीय सेना सबसे मजबूत है, सबसे बहादुर है, लेकिन उसमें एक अहिर रेजिमेंट बन जाए, क्योंकि जब 62 का युद्ध हुआ था तो हम सारी चौकी हारे थे, लेकिन एक चौकी नहीं हारे थे, जिस चौकी पे 124 अहिर जवान तैनात थे, और चाइना को घुटना टेकना पड़ा, 3000 चीनी सैनिकों को मारा था हमारे जवानों ने, और उसके बाद खुद चाइना ने कहा कि इनसे लड़ना मुश्किल है, इनसे जीतना मुश्किल है, और ये लड़ाई जो है हम यहीं छोड़ के भागते हैं, और चाइना छोड़ के भाग गया था, और चाइना ने खुद वहां लिखा कि ये जो सेना के जवान है, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, ये अति वीर है, तो उन अति वीर अहिरों को उनका हक मिलना चाहिए, वही मांग रहे हैं। दिनेश लाल जी, आखिरी सवाल रहेगा, अहिर रेजिमेंट जातिगत रेजिमेंट को बढ़ावा देने वाला नहीं होगा? नहीं होगा, ये राष्ट्रवाद को बढ़ावा होगा, वही मैं कहना चाहता हूँ कि ये कहीं से जातिवाद नहीं है, ये राष्ट्रवाद है। आप देखेंगे भारत के हर राज्य में ये समाज के लोग पाए जाते हैं, अहिर समाज के लोग पाए जाते हैं, और जब आप ये अहिर रेजिमेंट बनाते हैं तो पूरे देश को एक साथ जोड़ते हैं, ये कहीं से जातिवाद को बढ़ावा नहीं है बल्कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा है, और उन अहिर समाज के लोगों को कहीं कोई जातिवाद की तरफ भड़का भी रहा है तो अगर हमारी सरकार उनको हक देती है तो ये राष्ट्रवाद की सरकार चल रही है, वो इनके साथ जुड़ेंगे, तो ये राष्ट्रवाद को बढ़ावा है। ये आपने रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से सबसे मैंने कहा, मैंने रक्षा मंत्री जी से भी इस विषय में कहा, मैंने पूजनीय प्रधानमंत्री जी से भी इस विषय में कहा, मैंने गृह मंत्री जी से भी इस विषय में कहा, मैंने सबको ये बात बताई कि हमें अहिर रेजिमेंट चाहिए, उसके बाद मैंने संसद में उठाया। क्या जवाब है उन लोगों का? ये डिबेट का विषय है, उन्होंने कहा कि आप रखिए, सदन में रखिए, इसको पूरे सदन के सहमति से इसको बनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। रविंद्र कुमार, जी।